जैन दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस NCC। आज मैं आपको SLR राइफ़ल को खोलना और जोड़ना ये बताऊंगा। एक SLR राइफ़ल को खोलते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और SLR राइफ़ल को बंद करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है SLR राइफ़ल को खोलना और जोड़ना। जब सी सर्टिफिकेट टेस्ट होता है तो SLR राइफ़ल को खोलना और जोड़ना ये दोनों चीज़ों को पूछा जाता है। तो सभी कैडेट ध्यान से इस वीडियो को देखें और राइफ़ल को खोलना और जोड़ना तरतीब बाई सीखें। अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको SLR का खोलने जोड़ने का वीडियो शो करता हूँ। ये है SLR राइफ़ल, सेल्फ लोडिंग राइफल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ लोडिंग राइफल। इसका जो कुतर है 7.62 mm है। इसका जो राउंड का साइज बनता है वो भी 7.62 mm होता है। आज हम इसको खोलना और जोड़ना ही सिखाएंगे, ठीक है? इसको कैसे खोला जाता है और कैसे इसको जोड़ा जाता है और लास्ट में पिस्टन ग्रुप को पकड़ना है, पिस्टन ग्रुप से राइफल को पकड़ना है और मैगजीन बे को दबाते हुए मैगजीन को निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें मैगजीन को ही निकालना है। फिर लेफ्ट हैंड से कोक हैंडल खड़ा करना है, झटके में क्या करना है, कोक करना है, कोक करके छोड़ देना है, ठीक है? कोक हैंडल को अपनी जगह बिठा देना। समझ में आ गया? कितनी कार्रवाई सबको समझ में आ गई? अभी क्या करना है, अपने बाएं हाथ से इसको क्या करना है, बॉडी कैच को क्या है पीछे की तरफ प्रेस करना है, ऑटोमेटिक खुल जाएगी। देखा सबने, खुल गया ये। अभी इसको तौल सर से पकड़ लेना है और बॉडी कैच को दाएं हाथ की मदद से क्या करना है, बाहर निकालना है। कुछ करो हाथ की मदद से बॉडी कैच को पकड़ना है, पीछे तक स्लाइड करना है, ठीक है? स्लाइड करने के बाद जो अपनी जो मैगजीन है, मैगजीन के बाद इसको रख देना है। समझ में आ गया? उसके बाद इसका क्या नाम बताया था मैंने, स्लाइडर। क्या नाम बताया था? स्लाइडर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रिज ब्लॉक। इसका क्या नाम है? स्लाइडर। स्लाइडर को निकाल के बाहर रख देना है और ब्रिज ब्लॉक को साइड में कर देना है। समझ में आ गया? और राइफल को दोबारा से लॉक कर देना है, ठीक है? समझ में आ गया? अभी हम क्या करेंगे, बाएं हाथ की मदद से ये अपर हैंड गार्ड को पकड़ के जो आपका ये क्या है, गैस प्लग को क्या करेंगे, दाहिने हाथ की मदद से गैस प्लग की पिन को दबाना है। पिन को जब पिन यहाँ से निकल जाता है तो इसको क्लॉक वाइज प्रेस करना है, इसको बल घुमाना है, इसको बाहर निकाल देना है। इसमें सीधा आउट करता है, इसको बोलते हैं पिस्टन रोड। पिस्टन रोड को बाहर निकाल देना है और इसकी स्प्रिंग को भी बाहर निकाल देना है। पहले पिस्टन रोड निकाली, फिर क्या निकाली हमने, अब इसको लो। ये होता है स्टार्ट सर। अभी क्या करना है, राइफल को तोल वाले सर से पकड़ लेना है, जो हेलीकॉप्टर वाली ड्रिल मैंने बताई थी पहले, तो इसको भी उड़ा देना है भाई साहब, इसको भी उड़ा देना है, ऐसे उड़ाना है, ठीक है? सीधा यहाँ लैंड करना है और दबा देना। अगर आप इसको यहाँ से डालने की कोशिश करोगे तो नहीं जाएगा, सीधा इसको क्या है, इसमें टच कर देना, नीचे दबा देना, ठीक है? हो गया, इसको खोलो। इसमें ध्यान रखें, सबसे नीचे वाला कट है ना, सबसे नीचे वाला कट, उसमें इसको फंसाना है, सबसे नीचे वाले कट में फंसाना है और आगे पुश करोगे तो ये चला जाएगा आराम, आसानी से आगे चला जाएगा। तो क्या नहीं ले पाए ना, ठीक है? इसको क्या करना है, आगे प्रेस कर देना तो आगे चला जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? उसके बाद क्या करना है, बॉडी कवर को उठाना है। ध्यान रहे ये बड़ा वाला खांचा है ना, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले खांचे में इसको लगा लेना है। कटिंग वाला एरिया क्या राइट साइड में रहेगा, ठीक है? इसको ऐसे प्रेस करते हुए आगे पुश कर देना है, ठीक है? और राइफल को ये झटके में जोड़ देना है। समझ में आ गया? बॉडी कैच अपनी जगह आ जाएगा और ये राइफल जुड़ जाएगी। राइफल को दाने यहाँ से पिस्टन ग्रिप को पकड़ते हुए क्या करना है, कॉक करना है और राइफल को फायर करना है। फायर जब फायर हो जाता है, छोटा मेरा होता है, ये बड़ा मेरा होता है। छोटा मेरा यहाँ क्लोज है, ये इस पर खुला हुआ है, ये छोटा मेरा, ये कौन सा है, बड़ा मेरा। जो ये क्लोज है ना, इसको क्या बोलते हैं, लिप्स। क्या बोलते हैं? लिप्स, ठीक है? इसको लिप्स बोलते हैं। तो छोटे मेरे को आगे की तरफ, आगे के लॉकिंग नोज लगा है लॉकिंग कैच लगा हुआ है आगे, तो छोटे मेरे को आगे की तरफ, छोटा मेरा है ना, इसको क्या करना है, आगे की तरफ पकड़ना है
और इसको ऐसे डालना है इस एक पोजीशन में, मैगजीन को आगे रखना है और फिर यहाँ से नीचे प्रेस कर देना है, अपने आप मैगजीन आपका एक बार में लग जाएगी। समझ में आ गया? अभी तक के बताए हुए सब्जेक्ट में किसी साहिबान का कोई शक है सवाल? अगर कोई शक है सवाल नहीं है तो SLR खोलना जोड़ना सबने सीख लिया? ठीक है, ओके। पार्ट्स का नाम, अंदर वाला जो पार्ट्स उसका नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैश इन्वर्टर, क्या बोलते हैं। हाँ, उसके बाद ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, बैनर पोस्ट, क्या बोलते हैं इसको, बैनर पोस्ट, ठीक है। उसके बाद ये है अपर सीलिंग कड़ी, क्या है ये, अपर सीलिंग कड़ी, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, गैस प्लग, क्या बोलते हैं, गैस प्लग। गैस प्लग का काम होता है जो हमारा पिस्टन रॉड है उसको रोक के रखना। समझ में आ गया क्या काम होता है गैस प्लग का? पिस्टन रॉड को रोक के रखना। उसके बाद ये हमारा इसको बोलते हैं फोरसाइट प्रोटेक्टर, क्या बोलते हैं, फोरसाइट प्रोटेक्टर बोलते हैं या फोरसाइट गार्ड बोलते हैं, ठीक है। किसी राइफल में प्रोटेक्टर बोल देते हैं, किसी में क्या है, गार्ड बोल देते हैं। ये फोरसाइट टिप, ये क्या है, फोरसाइट टिप, ये क्या है, अपर हैंड, फोर हैंड, सॉरी फोर हैंड नहीं, ये अपर हैंड गार्ड, क्या है ये, अपर हैंड गार्ड। उसके बाद ये क्या है, मैगजीन, ये मैगजीन हो गया, ये हो गया कैरिंग हैंडल, ये कैरिंग हैंडल हो गया, ये हो गया बॉडी कवर, ये हो गया मैगजीन, मैगजीन इसमें मैगजीन अंदर लगाते हैं, इसको बोलते हैं मैगजीन बे, ये है मैगजीन बे, और इसको बोलते हैं, ये क्या है, मैगजीन कैच, इसको बोलते हैं मैगजीन कैच। ये है आपका टिगर गार्ड, ये है टिगर, ये है पिस्टन ग्रिप, ये आपका चेंज लीवर, ये बट स्मॉल बट, ये पूरा बट, ये है बट प्लेट, और ये मेंटेनेंस बे, ठीक है। और ये लास्ट में एक बच गया आपका, क्या बच गया, ये लोअर सीलिंग। समझ में आ गया? पार्ट पुर्जों के बारे में कोई शक नहीं सर। इसमें एक सीलिंग और आता है, इसमें सीलिंग लगाया जाता है, ये ऐसे सीलिंग बेल टाइप का आता है, उसको ऐसे लगाते हैं। अब ये दिखा देंगे आपको, अपने पास कोट में रखा हुआ है। समझ में आ गया? यस सर। कोई शक है सवाल? नहीं सर। हाँ, अभी आपको सोच रहे हो ये मैगजीन इसमें बॉडी में होल क्यों की है, है ना, हीट निकालने के लिए। ये मैगजीन में ये बॉडी में होल इसलिए किए गए हैं, जब फायरिंग के समय राइफल की बैरल गर्म हो जाती है तो उसको बाहर की हवा, जो ठंडी हवा है ना, वो अंदर जाए, जिससे कि हमारी बैरल क्या है, थोड़ा ठंडी कूल डाउन होती रहे, इसलिए क्या इसकी बॉडी। जय हिंद दोस्तों, ये मेरा वीडियो था SLR राइफल को खोलना और जोड़ना। अगर आप SLR राइफल को खोलने जोड़ने से कुछ सिखलाई हासिल किया है, अगर आपको लगता है हाँ मैं इस वीडियो देख के राइफल को खोल और जोड़ सकता हूँ, और इनके पार्ट्सों के नाम के बारे में आपको पता लगा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रोथ करने में अपनी योगदान दें। जय हिंद।